नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मैं हूं आपके साथ चिराग, मेरे साथ मोनू मौजूद है। और आज पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में, जहां पर गिरते गिरते कुछ हद तक संभल रही थी पाकिस्तान की पारी, लेकिन क्या एक बार फिर से गिर गई मोनू? बिल्कुल गिर गई, क्योंकि देखिए वैसे पहले लग रहा था 220-230 बनाएंगे, फिर लगा कि 300 बनाएंगे, लेकिन ये खत्म हुई 270 पर। 271 का टारगेट मिला है साउथ अफ्रीका को यहाँ से, जो कि बैटिंग लाइनअप को देखते हुए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टीम चेज करते हुए थोड़ा सा फंसती है थोड़ा सा। लेकिन 270 अब मुझे ऐसा लगता है फाइटिंग टोटल है, विनिंग टोटल नहीं है। बिकॉज विनिंग टोटल के लिए आपको कम से कम 310-315 अगर बनाता तो अच्छा रहता। लेकिन आज पाकिस्तान देखिए टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया इस विकेट पर, चेन्नई की विकेट पर, जिसमें कि जल्दी उन्होंने दो विकेट खो दिए, क्योंकि 38 रन पर दो विकेट उन्होंने आउट हो चुके दोनों सलामी बल्लेबाज, जिसमें कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के दोनों विकेट खो दिए। उसके बाद बाबर आजम आए, बाबर आजम ने आज फिर हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वही समस्या बार बार इस वर्ल्ड कप में कि वो क्यों नहीं कैपिटलाइज कर पाते बड़े इनिंग में, क्योंकि देखिए अब तक तीसरी सेंचुरी है इनकी है, और इससे पहले जो दो सेंचुरी लगाई है दोनों बार हार हुई है। तो क्या आज तीसरी हार भी आएगी? इसके बाबर आजम की सबसे हाफ सेंचुरी होती तब तक हार जाती है टीम, हारेगी देखिए अगर इस तरीके से खेलेगी तो। और जब बाबर आजम, और ये ऐसा नहीं कि बड़ा अर्धशतक भी बना रहे हैं, 50 बनाते हैं उसके बाद फिर ठुस हो जाते हैं, तो ये बड़े कन्वर्जन जब बात आती है तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपने स्कोर को बड़े स्कोर में। बाबर आजम के साथ ये दिक्कत आई है। आज मोहम्मद रिजवान एक बार लगा था, हर कोई जो आ रहा था वो छक्का मार के स्टार्ट अच्छा दे रहा था, इन्होंने भी छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान वो शॉर्ट गेंद थी, उसको ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत थी नहीं। आप जानते हैं यहाँ पर बाउंस आपको परेशान कर रहा था, तो ऐसे में मोहम्मद रिजवान को भी समझने की जरूरत थी। लेकिन देखिए यहाँ पर शादाब खान और साउथ शकीलिन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, वो एक पार्टनरशिप बनाई बाबर आजम और रिजवान के आउट होने के बाद भी। इस जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी जान फूकी है तो शादाब खान और साउथ शकील ने। बिल्कुल, एक समय देखिए 5 विकेट गिर चुके थे, 141 रन स्कोर था, वहां से फिर 225 तक ये पार्टनरशिप लेकर चले गए और जिस मैच में जान फूंक दिए वो तड़का लगा दिया। अब ये है कि इनकी गेंदबाज कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिर भी देखिए डिसअपॉइंट किया इनकी बैटिंग ने, मैं अभी भी कहूंगा, क्योंकि देखिए ये तो लोअर मिडिल ऑर्डर रन बनाए हैं, चाहे उसमें शादाब खान हो, साउथ शकील हो। साउथ शकील ने 52 बनाए हैं, उन्होंने भी अच्छी नॉक खेली, लेकिन 100 नहीं आया। एक और तबरेज शमसी की तारीफ करनी होगी यहाँ से, 10 ओवर 60 रन 4 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं, और जिस तरीके से आज तबरेज शमसी की हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में इनका मुकाबला चलता रहता है कि प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, स्पिनिंग ट्रैक पर तबरेज शमसी को खिलाया जाता है। इससे पहले भी एक मुकाबला उन्होंने, मुझे याद आता है, वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट चटकाए थे तबरेज शमसी, आज भी उन्होंने वो कमाल करके दिखाया है, वो बीच बीच में ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं तबरेज शमसी ने, 4 विकेट हासिल किए हैं पाकिस्तान की टीम को बैकफुट पर। लेकिन आपको क्या लगता है मोनू, यहाँ से 271, मेरा ये सवाल दर्शकों से भी है जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भी बताइए क्या साउथ अफ्रीका की टीम इसे चेस कर रही है या फिर चेस करते बार एक बार फिर से फंस रही है? क्या फंस सकती है? देखिए जब आप तबरेज शमसी ने यहाँ 4 विकेट निकाल दिए, तो आज देखिए पाकिस्तान में भी उसामा मीर नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया गया है, शादाब खान वहां, तो ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके स्पिनर गेंदबाजों से कि वो भी विकेट निकालें, और खासकर मैं मोहम्मद नवाज को देखना चाहूंगा आज, क्योंकि ये विकेट उनके लिए सूट करता है अगर उन्होंने 2-3 विकेट निकाल दिए। क्योंकि देखिए चिराग एक बात पक्की है इस मैच में, एक पार्टनरशिप आपको मैच से बाहर कर देगी, तो इसलिए, और पाकिस्तान के लोग करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि आज हारे तो फिर सब हारे, क्योंकि आज हारते ही बाहर हो जाएगी टीम, बाहर पेपर्स पर नहीं होगी लेकिन बाहर आप कह सकते हैं दिल से उनके अंदर से वो कॉन्फिडेंस वो चला जाएगा। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान की टीम हारती भी है तो उसके बाद पाकिस्तान के 3 मैचेस बचते हैं, 3 में से 3 जीतेगी तो 10 अंक पर पहुंचेगी, वहां पर फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी बाकी टीमों पर, बट्स रहेगा फिर बहुत सारी, ये इसको हरा दे वो उसको हरा दे, ऐसी सिचुएशन में शायद पाकिस्तान की टीम जाना नहीं चाहेगी और आज यहाँ पर इसी मुकाबले को ही जीतना चाहेगी पाकिस्तान की टीम। और मोनू 271 चेन्नई के मैदान पर, जहां पर पिच धीरे धीरे धीमी होती है, क्या यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान के सामने कमजोरी वही रहेगी कि आपके पास अच्छा स्पिन अटैक नहीं है? नहीं, और दूसरी चीज शाहीन अफरीदी, देखिए शाहीन अफरीदी का जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ उनकी थी एक से पावर प्ले विकेट देने की, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैक उनमें, अगर वो स्टार्टिंग में वो विकेट दे
देते हैं नई गेंद के साथ, तो नई गेंद से विकेट आने बहुत जरूरी है चिराग अगर इस टीम को जीतना है, क्योंकि आपको पता है क्विंटन डिकॉक जिस फॉर्म में है, पिछले मैच में 174 बनाए थे और उस तरीके के बैट्समैन, उनको आउट करना बहुत जरूरी, ना सिर्फ क्विंटन डिकॉक बल्कि दो ऐसे खिलाड़ी इस टीम के लिए जो सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं, ऊपर से क्विंटन डिकॉक और नीचे से हेनरी क्लार्कसन, इनके विकेट निकालने बहुत जरूरी है इस टीम को जीतने के लिए। बिल्कुल, और इस तरीके की फॉर्म में 174 बनाकर क्विंटन डिकॉक आ रहे हैं, 90 बनाए थे पिछले मैच में हेनरी क्लार्कसन ने, और ये टीम 300 नहीं ये 400 तक पहुंचना जानती है, तो आपको ये चीज देखनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहले 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने खेले हैं उसमें से जो मुकाबला हारा है उसमें चेस करते हुए हारा है, बाकी सभी मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और आज फिर से चेस करना पड़ेगा। और नीदरलैंड्स ने 43 ओवर में 245 बनाकर भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया। लेकिन चिराग पाकिस्तान की दिक्कत दो है यार, एक पहली दिक्कत तो ये है कि जिनको हारिस रॉफ है ना वो 10 या 11 रन के एवरेज से रन देते हैं जो बीच के ओवर है उनमें। दूसरी चीज ये है कि शाहीन अफरीदी क्या नए गेंद से विकेट लेंगे नंबर दो, और वो ताकत थी ना जो नसीम शाह और जब शाहीन अफरीदी एक साथ गेंद करते थे तब वहां पर विकेट जो एक तरफ से प्रेशर बनता रहता था दूसरी तरफ से विकेट आते रहते थे, वो जो साथ मिलने वाली बात थी वो साथ नहीं। आज मोहम्मद वसीम जूनियर यहाँ पर आए, क्या कुछ लगता है कुछ हसन अली की जगह क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे? यार गेंद तो अच्छा करते हैं यार, उनको हमने देखा था उस समय भी, लेकिन एशिया कप में भी जब उनको मौका मिला तब भी देखा था, लेकिन आज ये विकेट है, आप जितना चेंज ऑफ पेस करोगे ना, जितना आप पेस के साथ विकेट मिल सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी, बट आपके पास वैरायटी होना बहुत जरूरी है खासकर एशियन कंडीशन में। चेन्नई के विकेट पे तो वैसे भी गेंद थोड़ा सा धीमा आया, जैसे आज हमने रिजवान का भी देखा था जब 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, जैसे रिजवान बैटिंग करने के लिए आए उनको जो पहली गेंद डाली गई वो खेलने में थोड़ा सा जज नहीं कर पाए गेंद को और आते ही आउट हो गए थे, वो तो खैर कैच नहीं ले पाए वहां मार्को यानसन, लेकिन मार्को यानसन ने भी आज से वो गेंद करते हैं वो एंगल के साथ गेंद को अंदर लेकर आया और उसके बाद फिर मतलब जो कंडीशन है उनको अच्छा यूज किया है। बिल्कुल, और यहाँ पर गेंद जो है वो थोड़ी थोड़ी फंसके भी आएगी, हमने देखा जब आप गेंद की पिच तक नहीं पहुंचोगे तब आपको समस्या आएगी। इफ्तिकार अहमद कुछ अच्छे शॉट्स लगा चुके थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे आज, विकेट्स ऐसे देखे हैं मोनू जो गेंद बहुत देर तक हवा में रहती है और उसके बाद फिर नीचे फील्डर मिल जाता है आपको, तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स के बतौर स्पिनर भी आपको थोड़ी सी लेंथ जो है ना वो पीछे खींच के रखनी पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट नहीं और बिल्कुल पाले में भी नहीं, बिल्कुल पाले में भी नहीं। और दूसरी चीज आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया यार कैच वाला, आज पाकिस्तान कैच नहीं छोड़ सकते, अगर आज कैच छोड़ दिए फिर देखिए आज कुछ नहीं यार, फील्डिंग भी आज खराब नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे रन नहीं है, वो कहते ना आज आखिरी मौका, बस ये आखिरी मौका है आज। और पाकिस्तान में देखिए क्रूशियल मोमेंट पे कैच छोड़े हुए इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे, क्योंकि डेविड वॉर्नर का वो कैच कौन भूल सकता है, क्योंकि वहां से वो मैच निकल गया था हाथों से, क्योंकि डेविड वॉर्नर ने एक बड़ी पारी खेली थी, तो आज मैं चाहूंगा कि वो कैच ना छोड़े, और वो तो उसामा भी ने छोड़ा था, वो आज है ही नहीं, आज है ही नहीं, तो पूरी पाकिस्तान की टीम ही ऐसी ही रही है, फील्डिंग जो है वो उतनी अच्छी रही नहीं है, जो फील्डिंग कोच होंगे पाकिस्तान के वो भी इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे, और बाबर आजम कब जो कप्तानी का प्रेशर है ना मोनू मोन पे साफ दिखता है उनके चेहरे पर, जब भी थोड़ा सा भी मैच हाथ से फिसलता हुआ दिखता है वो उनके चेहरे की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, तो ये समस्या तो दूर करनी पड़ेगी जब आप छोटे टारगेट को डिफेंड कर रहे हो। बिल्कुल, हालांकि देखिए 270 में ये नहीं कहता छोटा टारगेट है, एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल है सही, साउथ अफ्रीका के नई गेंद के साथ, नई गेंद के साथ आपको विकेट लेने पड़ेंगे, फर्स्ट 10 या 15 ओवर्स में अगर 2 या 3 आउट नहीं किए तो आप फिर बैकफुट पे आ जाएंगे, फिर वो लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, उसके स्किन चेहरे की देखना फिर बाबर आजम की, क्योंकि नई गेंद से विकेट लेना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए। मैंने तो बता दिया कि मैं तो आज पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये 271 का टारगेट इजी चीज हो जाएगा या फिर लगता है थोड़ा फंसेगा, ट्रिकी है? मेरे हिसाब से इजीली चेज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, और शुरुआत में वो जो शाहीन अफरीदी वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा डराएगा जरूर, लेकिन मेरे हिसाब से उतने अच्छे स्पिनर्स मोनू पाकिस्तान के पास नहीं कि आपको बीच बीच में अंतराल पर विकेट्स निकाल कर देते रहे। और इस टीम में देखेंगे आप तो क्विंटन डिकॉक आएंगे, टेम्बा बबूमा आज बैट से
रीजा हेंड्रिक्स की जगह वो अब आए हैं, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, मार्को येंसन भी इतना अच्छा बल्ला चलाते हैं, मार्करम भी हैं, एडन मार्करम भी है, और बड़े खतरनाक बैट्समैन है। तो इनके बस बैटिंग में डेप्थ है और बहुत ज्यादा डेप्थ है इनको, बस इनका ये है कि पार्टनरशिप बिल्डअप ना हो बस। अच्छा, तो आपके हिसाब से पाकिस्तान इस मुकाबले, हाँ पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है कि आज फेवरेट रहेगा, पता नहीं आप, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका फेवरेट, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा वो चेज वाला मसला जरूर है। अगर पहले बल्लेबाजी अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका की टीम कर रही होती, हाँ। और वो पाकिस्तान से पूछती कि आप 280 पे संतुष्ट हैं, आपको ये टारगेट दे दिया जाए, तो पाकिस्तान दोनों हाथों से लपक लेती बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो जानती है कि ये टीम 350-450 बनाने की काबिलियत रखती है, तो ऐसे में चेज वाला थोड़ा सा फैक्टर जरूर होगा, अंडर लाइट जब पे चौर थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, लेकिन काबिलियत बहुत है साउथ अफ्रीका। लेकिन एक आंकड़ा यार बड़ा दिलचस्प हुआ, 1999 के बाद पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से हारी नहीं है। अब ये थोड़ी राहत की बात है बाबर आजम एंड कंपनी के लिए कि यार 24 साल हो गए, इनका वो इंग्लैंड से नहीं हारी थी, कितने साल 24 साल हो गए ये टीम हारी नहीं है, तो 24 इयर्स में ये एक अच्छी बात है। अगर ये क्या ये आंकड़ा आज ऐसे मुकम्मल रहेगा या नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को बहुत दोनों चीजें करनी पड़ेगी, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और विकेट भी लेने पड़ेंगे, और क्विंटन डिकॉक को रोकना पड़ेगा, ये सबसे खतरनाक बैट्समैन है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा रुक गया 7-8 ओवर खेल, कोई भी रुक गया इनमें से, बहुत ये एक फैक्टर है कि टेम्बा बवुमा पे यहाँ पर थोड़ा सा शायद साउथ अफ्रीका की टीम उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए काबिलियत है लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म अभी तक उन्होंने नहीं किया, और फिर बीच बीच में कभी कभी ना